कैसे क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है और कैसे टॉर्क घुमाने की कोशिश करता है, आज के दिन उसी टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, तो किया है सर, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आर एफ साइन क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क, किस किस का टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आर का और एफ, आर क्रॉस। हमने गेट के ऊपर किया है कि गेट को घुमाने के लिए, रोटेशन पैदा करने के लिए हमें आर चाहिए, एफ चाहिए और थीटा चाहिए, और टॉर्क इन चीजों, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आर एफ साइन थीटा। इसी बात को समझने के लिए हम लोगों के पास में डंडा है, वाइपर का डंडा है, देखो पकड़, ठीक है, वजन ठीक उठ रहा है, बैग उठाइए, बैग में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भर लेते हैं बैग थोड़ा सा, हाफ बोतल दे देंगे, टाइट बंद करके पता चला कि लीजिए इसमें, तो बैग में बोतल डाल लेते हैं, थोड़ा भारी कर लेते हैं बैग, कुछ तो वजन हो, इसे उठा के, ये भी उठ जाए, दोनों को उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। अब डंडे को पकड़ ले हाथ से, हैंडल ले उसके, हैंडल पे हाथ रखने हैं, तो हैंडल है ना, ठीक है, देखो पूछता है डंडा, कोई दिक्कत, देखते रहिए और पक्का, अब वजन हो गया, क्या कह रहे हैं, वजन हो गया, वजन हो गया सर, अच्छा छोड़ दो, और हो गया, अब नीचे गिर गया, कोशिश तो कर, नहीं पीछे से पकड़, पीछे से, हाँ देख रहे निशाना है, क्या कर, गिर जाएगा, अच्छा अच्छा वापस से कर, यहाँ 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 हो जाता है। तो मुझे बताओ कि मैं इस वजन को आगे लेके जा रहा हूँ तो क्या बोलते हैं, एफ बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है, मैंने ग्रेविटी बढ़ा दी क्या इसकी, भाई ना क्या बढ़ रहा है, आर, आर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। इस भाई को क्या करना है, इस डंडे को चलने से तो रोक नहीं, इस डंडे का अगर मोशन देखो तो पकड़ के, तो ये डंडा घूमता है, इसे इसे घूमने से रोकना है, और घूमने से रोकने के लिए इसे जैसे जैसे मैं वजन को इधर लेके जाता जाता हूँ, जो टॉर्क है एफ है, एफ तो वही, पर जो आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, टॉर्क बढ़ता जाता है। इसे अगर घूमने के लिए रोकना है, इसे घूमने से रोकना है, तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना है, और उस टॉर्क का वैल्यू लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये क्या कोशिश करता है, इस फोर्स के टॉर्क को कम करने की, और देखो हमारे मन में ये अंतर नहीं था, हमारे मन में ये खुद से कहां से पकड़ा था, ये जब उसने पकड़ा था इसे क्या कर रहा था, ये आगे से आगे ले गया था, जिससे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अगर यहाँ हाथ कर देता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ गई, अब ये पॉइंट फिक्स कर दिया ना इसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ गई, अब आर कम, जितना आगे से पकड़े उतना आर का वैल्यू क्या होगा, कम कम होगा, उस पॉइंट के अमाउंट उतना कम टोर, जितना कम टॉर्क मिलेगा इसके लिए संभालना उतना ज्यादा आसान है। तो जब ये हाथ चलाता है, हाथ चला के क्या कम करने की कोशिश करता है, आर कम करने की कोशिश करता है, जिससे कि इस वजन का टॉर्क कम, टॉर्क कम हो तो फिर इसके लिए काउंटर टॉर्क लगाए, अपोजिट डायरेक्शन से टॉर्क लगाना भी आसान है। अच्छा इस चीज को, इसे घूमने से रोक, अगर किसी एक बॉडी को, बॉडी के टोटल टॉर्क जीरो,
तो उसकी घूमने की स्पीड नहीं बदलती। जैसे टोटल फोर्स जीरो हो तो चलने की स्पीड नहीं बदलती है, सिमिलरली अगर टोटल टॉर्क जीरो हो तो घूमने की स्पीड चेंज नहीं। तो अभी ना ये चल रहा ना ये घूम रहा, इसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। एक बार पकड़ इसे मैं छोड़ूंगा, जैसे तू पकड़ता है हाथ लगा, एक हाथ बीच में लगे, पर अब मुझे बताओ इसके ये हाथों को देखो, इसका ये वाला हाथ किस तरह फोर्स लगा रहा होगा। देखो ये वाला हाथ किस तरह फोर्स लगा रहा होगा, इधर आ जा, इसके इस वाले हाथ को, ये वाला हाथ किस तरह फोर्स लगा रहा होगा, पर इस वाले हाथ को नीचे की तरफ, ये वाला हाथ किस तरफ दबाए हुए, क्यों दबा रहा है नीचे, मतलब इसे उठा के रखना है और दबा नीचे रहा। वही से मैंने किसकी क्या करने को बोला कि भैया इसे उठा के रखो, यहां से तो समझ में आता है ये वाला हाथ क्या करके रखा हुआ है, ये वाला हाथ उठा के रखा हुआ है समझ में आता है, पर ये वाला हाथ को, ये वाला हाथ क्या कर रहा है, नीचे क्यों दबा रहा है भाई नीचे, नीचे है ना, ये क्या करेगा, इस वाले हाथ ने इसे रोक तो लिया चलने से, पर अभी ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो मुझे ये बताओ ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंफर्टेबल है ना सर, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क बताओ, जो यहां बैग है इसका टॉर्क बताओ कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप लोगों के देख ले सर, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, देखो ये कैसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा है, आर है ऐसे, एफ है ऐसे, आर है ये, एफ है ये, बताओ आर क्रॉस एफ कैसा होगा, आर क्रॉस एफ ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये वाला फोर्स इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, डंडे इसे ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इस डंडे को कैसे घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि नेट टॉर्क कितना हो जाए, जीरो। उसके लिए इसे फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे ये यहाँ बीच वाला हाथ है इसका, ये वाला हाथ है इसका, इस वाले पॉइंट पे अगर इसे टॉर्क बैलेंस करना है, इस वाले पॉइंट पे किस तरफ लगाना पड़ेगा फोर्स, नीचे, ताकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मिले आपको, कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इसे इस डंडे को रोटेशन भी बैलेंस करना है और ट्रांसलेशन भी बैलेंस करना है, चलने से भी रोकना है और घूमने से भी रोकना है। चलने वाला तो इफेक्ट सेम है, अगर इसे चलने से रोकना है तो फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा नेट फोर्स mg के बराबर, बट जो घूमना है उसे रोकने के लिए इसे एडजस्टमेंट करने पड़ता है। इसीलिए जैसे जैसे मैं दूर लेके जाता जाता हूं इसके लिए रोकना मुश्किल होता है। यहां से एक और चीज हम सीखे कि अगर किसी एक बॉडी को जैसी वो है ऐसी रहनी है, जिसकी एक लेंथ है जिसकी एक लंबाई, उसे अगर ऐसा ही रहना है तो दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी कितना होना चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में।